हेलो गाइस, दिस इज मनीषा हियर। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। सो अब मैंने आलू को पील कर लिया है, अब इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे। सो अब करते हैं हमारा गैस ऑन। आलू अच्छे से मैंने वॉश कर लिए हैं और अब इसमें हम डालते हैं पानी। आलू को प्लीज पूरा मत अब डुबोना, थोड़ा सा ऊपर उसकी सरफेस रहनी चाहिए और मीडियम फ्लेम पे इसमें 4 सीटी हम दे देंगे। सो जब तक हमारे आलू उबलते हैं तब तक हम मसाले का दूसरा काम कर लेते हैं। हम इसमें चॉप करेंगे एक प्याज बिल्कुल बारीक और हरा धनिया बहुत सारा। और ये देखिए मेरे बच्चे, इन्होंने किचन का क्या हाल कर रखा है और हमेशा मेरा घर ऐसे ही रहता है। सो अब इसको हम चॉप कर लेते हैं। सो मैंने प्याज एकदम बारीक फाइन काट लिया है और साथ में धनिया भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अभी आलू होने में टाइम है तो तब तक हम आटा लगा लेते हैं। सो अब आटे में हम मिलाते हैं नमक और ऑयल 1 छोटा चम्मच और फिर इसे पहले अच्छे से हम करेंगे मिक्स। और हम थोड़ा सा इसमें अजवाइन को ऐड कर देंगे और अब इससे थोड़ा मीडियम आटा गूंथ लेते हैं। सो ये लास्ट सीटी थी और हमारे आलू हो चुके हैं रेडी। हमारा आटा भी लग चुका है। जब तक हम आलू का मसाला बनाएंगे तब तक हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं इसकी फिलिंग। सो अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और इसमें आप डाल दीजिए हरी मिर्ची। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है। ऑप्शनल क्या, आप तो बड़े हैं आप खा सकते हैं, बट मेरे यहाँ बच्चे खाते नहीं हैं तो इसे अभी मैं साइड में रख रही हूँ। जब इसके पापा के लिए बनाऊंगी तो मिक्स कर लूंगी। इसमें अब हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुने जीरे का पाउडर। इसे अब हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। सो अब ये अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है। इस स्टेज पे जब आप सब कुछ मिक्स कर लो तो मसाले को बिल्कुल टेस्ट करके देखो, क्योंकि आलू इतने फीके होते हैं आपको नमक कम ही लगेगा। सो प्लीज एक बार इसको जरूर इस स्टेज पर चेक करो कि इसमें नमक और मसाले ठीक है कि नहीं, ताकि हम ऊपर से इसमें मिक्स कर सके। अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आटे के गोले कर लिए हैं, बस अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो अब मैंने इसे आधा बेल लिया है, अब इसमें फिल करूंगी मैं मिक्सचर। बस अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। सो ये मैंने फिल कर लिया, तो इसमें मैंने सूखा आटा लगा लिया है। अब मैं इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलूंगी। सो ये मैंने बेल लिया है पराठा। अब ये मैंने पराठा डाल दिया है तवे पर, इसे अब मैं फ्लिप करूंगी। तो इस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है, यार इसे अच्छे से फैला लेंगे और अब इसे करेंगे फ्लिप। सो अब हम इस पराठे को ऐसे दूसरी साइड पे लगा के अच्छे से फटाएंगे, थोड़ा दबा दबा के। सो ये टेस्टी, कितना यमी दिख रहा है ये आलू का पराठा। एंड विंटर्स के जो नए आलू आते हैं उसका टेस्ट अलग ही होता है और ये ठंड में ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चे दो दो बेलन के साथ और इसको बहुत मस्ती आ रही है हमारे जक्ष को, और एक यांच आटा लेके बैठा है अपने छोटे से चकले और बेलन के साथ, छोटे बच्चों के छोटे टॉयज। ओ हेलो मिस्टर कियांश, क्या बना रहे हो? तो ये पराठा हमारा हो चुका है रेडी। इससे आप खाओ हरी चटनी के साथ, मेयोनीज के साथ, सॉस के साथ, जो भी आपको पसंद है उसके साथ खाओ। एंड ये पराठे इतने टेस्टी कि आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही 3-4 पराठे खा जाओगे। सो डू ट्राई माय रेसिपी, प्लीज इस रेसिपी को आप बना के देखो, बहुत अच्छी लगेगी। एंड कॉमेंट करके प्लीज मुझे बताना कि कैसी लगी। ओके थैंक यू, बाय बाय।